हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात की जाएगी। निगरान वजीर इत्तला सिंध अहमद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। 5 से 10 फरवरी तक फौज हसास इलाकों में मौजूद रहेगी। फौज क्विक रिस्पांस के तौर पर होगी। पोलिंग स्टेशन पर 6000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं जो मास्टर डेटा के साथ मुंसलिक होंगे। इलेक्शन के इनाकात पर किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए। अमन अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में खराब थी। कैमरे 6000 से ज्यादा हाईली पोलिंग स्टेशन पे सब जगह कैमरे ना भी सेफ होगा, वो एक मास्टर डेटा के साथ कनेक्टेड होगा। 6000 रेंजर्स लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है। फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो पुलिस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपकी रेंजर्स है, और अगर कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो विद इन फ्यू मिनट के फासले पे शहर के या सूबे के मुख्तलिफ जगहों पर आर्मी मौजूद होगी। आपको पता भी बलोचिस्तान में 10 ग्रेनाइट भी पकड़े गए, कई सारी मूवमेंट और मोबिलाइजेशन हो रही है।